तो फाइनली यार अपने कस्टमर की कार को डिलीवर करके हम लोग आ चुके अपने शोरूम पे। और भाई ये स्लैम ट्रक ना हमने खरीद लिया, वैसे हमने खरीदा नहीं है, ये ना बैनी के गैराज पे आया था रिपेयर होने के लिए, और बैनी ने ना ये बहुत ज़्यादा सस्ते में खरीद कर मॉडिफाइड कर दिया अपने शोरूम के लिए। तो भाई बहुत ज़्यादा मस्त हो चुका है। बट वेट, ये कार किसकी खड़ी है? और भाई पूरी क्रोम हो रखी है, वेट इसके ऊपर डिज़ाइन भी है भाई डॉलर्स की। यार भाई मेरे को लग रहा है कोई अमीर बंदा है भाई। यार मैं देखता हूँ ऊपर जाके फटाफट से इस ट्रक को ना पार्क कर देता हूँ, मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ, यहाँ से वैसे भी ज़रूरत पड़ती रहती है, मैं ऊपर नहीं लेके जाने वाला, वैसे भी इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम है। तो भाई फटाफट से चल के देखता हूँ, क्या पता आज ना मेरी महंगी महंगी कार्स में से एक आध तो बिक ही जाए भाई। यार प्लीज़ यार बिक जाए, मैं ऊपर जाके देखता हूँ। बैन ही अच्छे से डील नहीं कर पाता कस्टमर्स को, मैं आराम से डील कर लूँगा, कम से कम मैं बात बना लूँगा मैं। और भाई कहाँ पर है कस्टमर, मेरे को तो दिख भी नहीं रहे यार। वेट भाई दिख गए, और भाई सिक्योरिटी के साथ आया, इतनी लंबी कार लेके आया, उसमें सिर्फ एक बंदा आया भाई, ये बंदा है। वैसे बैनी ये है कौन? अरे ये कार खरीदना है। अच्छा कौन सी कार चाहिए ने? अरे ये बोल रहे हैं मेरे को सारी कार पसंद आ रही है, सारी कार दे दो। अच्छा सर सारी कार चाहिए आपको? अरे हाँ मेरे को सारी कार चाहिए। अच्छा ठीक है सर, वैसे आप हो कौन? अरे मेज बैंक के ओनर को जानते हो, मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा सर आप मेज बैंक के ओनर के बेटे हो आप, चलो ठीक है मैं आपको कार्स तो दिखा दूंगा, बट यार ये बोलाइड ना मेरी फेवरेट कार है, मैं इसको देना नहीं चाह रहा, बट यार इससे ना मैं बात करता हूँ। सर आपको ये वाली कार बहुत ज्यादा महंगी पड़ेंगी, आप इनमें से एक चूज कर लो इस बुगाटी को छोड़ के। अरे मेरे को ये बुगाटी पे चाहिए, सारी कार चाहिए, कितनी महंगी हो मुंह बोली कीमत दूंगा मैं तुम्हें। अच्छा सर मुंह बोली कीमत दोगे तो मैं इन सारी कार्स को सेल करूंगा 2 लाख करोड़ में, आप खरीदोगे क्या? अरे चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं खरीद लूंगा। अच्छा सर पर पेमेंट मेरे को कैश चाहिए अभी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कैश में लेके तो आया हूँ। अरे सर आप झूठ मत बोलो, कहाँ से आप कैश ले आए, क्योंकि आपकी कार बहुत ज़्यादा छोटी है और 2 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अरे तुम चिंता मत करो, कैश में ला चुका हूँ, आप अपने मैकेनिक से पूछो। अरे बैनी सही बताइए कैश लेके आ चुकी हैं क्या? अरे हाँ भाई बहुत ज्यादा कैश लेके आ चुके हैं, पूरे 2 लाख करोड़ पहले ही रख दिए इन लोगों ने। अच्छा भाई मतलब हमारी प्राइस बताने से पहले 2 लाख करोड़ आ चुके हैं भाई, अब ना कुछ नहीं हो सकता। सर आपको कार मिल जाएंगी, अभी आपकी डिलीवरी होनी है क्या? अरे बट मेरे को सारी कार्स के कलर चेंज चाहिए। अच्छा सर कलर चेंज चाहिए आपको सारी कार्स के? अरे हाँ अभी करके दो मेरे को फटाफट से। ठीक है सर आपकी कार्स की कलर चेंज कर दूंगा, बट आप बता दो मेरे को कौन से कलर चेंज करने हैं कार्स के। अरे मैं बताता हूँ, बट तुम पेपर वर्क तो कर लो पूरे। सर पेपर वर्क तो हो जाएगा, बस आप कार का कलर बताओ कौन सा करना है। बैनी यार मैं इनकी कार को कर दूंगे कलर। अरे कोई दिक्कत नहीं है, पहले तुम पैसे देख के आओ। ठीक है भाई मैं पैसे देख नहीं जा रहा था वैसे भी, क्योंकि मेरे को ना भरोसा नहीं है इस बंदे में, पूरे 2 लाख करोड़ लाया कि नहीं लाया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं है भाई। यार ये बंदा मेरे से झूठ बोल रहा है, इसकी कार में भी पैसे नहीं है। रुको मैं ऊपर देख के आता हूँ, क्या पता यहाँ पर कैश रखा हो। वेट 1 लाख करोड़ का एक क्रेट है भाई, एक क्रेट में 1 लाख करोड़ है भाई साहब। मतलब वो बंदा सही बोल रहा था, वो पूरा पेमेंट कैश में ला चुका है। अब क्या दिक्कत है भाई, अब ना मैं जैसे जैसे ये कलर बोलेगा वैसे वैसे इसकी कलर कर दूंगा भाई कार्स के, बट मेरे को अभी भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि मेरी फेवरेट बुगाटी बोलाइड जा रही है भाई, शोरूम में रखी रहती है तो मेरा मन लगा रहता, बट अभी यार मेरे को ये सेल करनी पड़ेगी। बैनी मैंने चेक कर लिया है, पेमेंट तो पूरा आ चुका है। अरे मैं बोल तो रहा था तुमसे यार, तुम तो झूठ मानते हो। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, बैनी तूने एक बार बोला, एक बार बस हो गया फाइनल। अरे ठीक है अब तुम्हारी बात हो गई हो तो इस कार का कलर चेंज करो। बताओ सर कौन सा कलर करना है? ऐसा करो पहले तो तुम लैम्बोर्गिनी पे पर्पल पेंट करो। अच्छा पर्पल पेंट करना है, बट सर पर्पल में अच्छी नहीं लगेगी ये। अरे मैं बोल रहा हूँ ना मेरे को अपने कस्टम कलर चाहिए। ठीक है सर आप बोल रहे हो तो कर देता हूँ भाई। यार ये बंदा पता नहीं पागल हो चुका है क्या, इस पे पर्पल कलर क्या ही अच्छा लगेगा भाई, बट ठीक है मैं कर देता हूँ। मेरे को क्या करना, पेमेंट मेरे को पूरा मिल चुका है भाई, मेरे को कोई मतलब नहीं है अब ये कार्ड्स को, मैं चाहे कैसा भी पेंट करूँ, मेरे को अच्छी लगे या ना लगे कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, पेमेंट अपने हाथ में है। तो गाइस मेरा फाइनली इस कार को नीचे ला चुका हूँ, फटाफट से इसकी कार को पेंट कर देता हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ पेंट करूँगा और कुछ चेंज करने वाला नहीं हूँ मैं इस कार में। तो गाइस फाइनली मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, और देखो भाई ब्लैक लग रही है, पर्पल तो देख भी नहीं रहा, बट अपना जो गैरेज है ना उसमें थोड़ा सा अंधेरा रहता है, अब इसमें लाइटिंग का काम बाकी है, तो बाहर जाके दिखेगी भाई जैसा कलर है वैसा। भाई साहब मैं ले चलता हूँ, और भाई लो ये है पर्पल लैम्बोर्गिनी, बट अभी ये काफ़ी सही लग रही है। मैं सोच रहा था
कि लैम्बोर्गिनी पर्पल कलर में अच्छी नहीं लगेगी, बट यार मैं गलत निकला यार, वो बंदे की चॉइस बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब मैंने ना लैम्बोर्गिनी कभी भी पर्पल कलर में पेंट नहीं कराई है, ये बंदे ने आज पहली बार मेरे से पर्पल कलर में पेंट करवाई है और भाई पर्पल कलर क्या ही मस्त लग रहा है। अभी यार उस बंदे से जाके पूछता हूँ कि अभी मर्सिडीज और बुगाटी बुलेट पे कौन सा कलर करूँ, क्योंकि उस बंदे को ना एक भी कलर पसंद नहीं आ रहा है जो हमारे शोरूम में पहले से हो रखा है। उसे भाई तीनों कार्स का कलर चेंज चाहिए अपनी मर्जी से। अभी से जाके पूछता हूँ और इसने भाई बता दिया मेरे को, ये बोल रहा है कि भाई मेरे को ना मर्सिडीज का कलर येलो चाहिए। भाई यार मतलब रेड कलर क्या ही मस्त लग रहा है यार, अगर और क्यों होता ना इसकी जगह तो मस्त तरीके से रेड कलर को ही परचेज कर लेता, बट यार ये ना येलो कलर मांग रहा है, तो भाई अब हमें देना तो पड़ेगा क्योंकि हमारी कस्टमर इच्छा तो भाई हमें पूरी करनी पड़ेगी। उसने हमें पैसे दिए हैं, अगर पैसे कम दिए होते तो मैं चेंज नहीं करता, बट पैसे ना इनकी प्राइस से बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, तो अब मैं कोई भी ड्रामा नहीं करूँगा, किसी भी चीज़ की मना नहीं करूँगा। अगर ये कुछ और भी बोलेगा ना तो भी मैं कर दूंगा भाई, अभी तो खाली कलर चेंज करना है मेरे को, तो कलर तो बहुत ज़्यादा सस्ता चेंज हो जाता है। तो गाइज मर्सिडीज़ को भी ला चुके हैं हम अंदर, तो गाइज फाइनली येलो कलर हो चुका है मर्सिडीज़ पे, और भाई इसे भी बाहर निकालता हूँ और ये भी बाहर जाके चमकेगी। अंदर तो सारी कार्स ऐसी लगती हैं कि पता नहीं कलर का क्या ही कर दिया मैंने, बट बाहर जाके क्या ही शाइन मारती है। और भाई लो येलो कलर भी काफ़ी सही लग रहा है भाई, रेड और येलो कलर पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, किसी भी कार पे कर दो येलो और रेड भाई। और एक भाई सबसे ज़्यादा लेजेंडरी कलर है वो है ब्लैक। ब्लैक कलर ज़्यादातर गैंगस्टर कार पर ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि जी वैगन हो गई और अपनी डिफेंडर वगैरह हो गई, और भाई बड़ी बड़ी एसयूवी कार्स पर ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, और ऐसी मर्सिडीज़ वगैरह और लैम्बोर्गिनी वगैरह पर यही कलर अच्छे लगते हैं, येलो हो गया, ब्लू हो गया, पर्पल हो गया और रेड हो गया। बाकी अभी देखते यार मेरी फेवरेट कार ऊपर रखी हुई बुगाटी बुलेट, उसका क्या कलर चेंज करवाएगा भाई। मैंने पहले से ही इतना मस्त कलर करके रखा है उसके ऊपर येलो, बट अभी ना ये बंदा मेरे से बोल रहा है कि इसका कलर ब्लू कर दो। भाई यार ब्लू क्यों करवा रहा है, ब्लू तो मैं लाया ही था, ब्लू कलर चेंज करके तो मैंने येलो किया था क्योंकि मेरे को येलो पसंद आ रहा था, बट अब ये दोबारा से ब्लू कलर में करवा रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं है यार, अब इसने पैसे दे ही दिए हैं तो मैं इसकी ख्वाहिश पूरी कर ही देता हूँ। तो भाई मैंने कार को ना नीचे उतार लिया, अभी फटाफट से नीचे ले चलते हैं गैरेज में और फटाफट से इसका भी कलर चेंज करते हैं। यार आज तो ना पूरा दिन इसके काम में निकल जाएगा, बट आज पहली बार इतना बड़ा कस्टमर आया जो कि एक बार में कैश पेमेंट देके हमारी सारी कार्स को परचेज कर रहा है। भाई नहीं तो आज तक ऐसा बंदा कोई आया नहीं है जो कि हमारी सारी कार्स एक बार में परचेज करे, वो भी बहुत ज़्यादा महंगी महंगी। और भाई अभी ना बुगाटी बुलेट का कलर चेंज करने वाला हूँ, भाई दिल में दर्द तो होगा बट कोई नहीं यार, हम ना ऐसी कार और भी लेंगे। मैं ना बुगाटी बुलेट से भी ज़्यादा तगड़ी कार लाऊंगा, किसी और कंपनी की कार देखूंगा जो कि ऐसी कंसेप्ट कार हो और मस्त चले। भाई अभी ना इसका भी कलर चेंज हो चुका है, फटाफट से यार इस कार को भी बाहर निकालते हैं और फटाफट से इस बंदे से बोलते हैं भाई तेरी तीनों कार रेडी हो चुकी हैं, अब तू जा फटाफट से इन कार्स को लेके। तो गाइस यार ब्लू कलर में देखो भाई, यही कलर मैं खरीद के लाया था और भाई दोबारा से इस बंदे ने यही कलर करवा दिया, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पहले भी अच्छी लग रही थी और अब भी अच्छी लग रही है तो कोई बुराई नहीं है। अभी मैं इस कार को अच्छे से पार्क करके उस बंदे को ना नीचे बुला लेता हूँ, क्योंकि मैं बार बार ऊपर नहीं जा सकता भाई, मैं थक चुका हूँ, कम से कम 3-4 बार ऊपर चला गया, कभी तो पैसे देखने आ रहा हूँ, कभी कार्स को लेके यहाँ पर पार्क करके दोबारा जा रहा हूँ, अब मेरे पे नीचे चला जाएगा भाई। तो गाइस फाइनली यार ये बंदे आ चुके हैं नीचे, और सर आपकी तीनों कार्स रेडी हो चुकी हैं और पेमेंट भी आपका आ चुका है, आप तीनों इन तीनों कार्स को लेके जा सकते हो और आपकी बड़ी वाली कार को हम आपके घर पे पहुंचा देंगे। अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरी बड़ी वाली कार को पहुँचा देना। तो गाइस फाइनली यार वो बंदा जा चुका है और भाई अब ना हम पे हो चुके हैं पूरे 2 लाख करोड़, अभी हम ना मस्त मस्त कार खरीदने जाएंगे, बट उससे पहले इसकी कार को ना साइड में पार्क कर दो, क्योंकि जब मेरे पास फ्री टाइम होगा तब मैं इसके घर पे छोड़ के आऊँगा भाई, मैं ऐसे नहीं जाने वाला हमारे शोरूम पे, क्या पता और ज़्यादा कस्टमर आ जाए। तो मैंने इसकी कार को ना ऊपर पार्क कर दिया है, बट अभी मेरे पास कोई भी कार नहीं है सेल करने के लिए, बस मैं चाहता हूँ यार कार का कोई भी परचेज करने वाला ना आए, अगर रिपेयर करने वाला आएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, रिपेयर कर देंगे उसकी कार को, बट परचेज करने वाला नहीं आना चाहिए। तो गाइज यार अभी ना मेरे पास कार डीलर का फोन आ रहा है, रुको मैं इससे बात करता हूँ, क्या बोल रहा है ये बंदा, रुको भाई यार ये क्या कह रहा है बैनी, ये बंदा बोल रहा है कि इसके पास कोई अच्छी सी कार आई है।
अरे कौन सी कार आई है ये तो बताओ। अरे अच्छी अच्छी बोल रहा है, रुको मैं से कंपनी पूछता हूँ। भाई कौन सी कंपनी की कार है ये? अच्छा अच्छा सही है भाई। वेट भाई, इस कंपनी की भी कार आती है क्या ये? भाई बेनी विजन कार है। अरे कौन सी कंपनी के ये तो बताओ। अच्छा अच्छा बता रहा हूँ भाई बता रहा हूँ, रुक जा यार। तो भाई बेनी, मैंने इस बंदे से पूछ लिया कौन सी कंपनी की कार है। अरे कौन सी के ये तो बताओ मेरे को। एस्टन मार्टिन भाई, अभी फोटो भेज रहा है, रुक जा फोटो दिखाऊंगा तेरे को। अरे दिखाओ। तो ले भाई बेनी ये है फोटो, देख भाई ये है विजन कार, और भाई बहुत ज्यादा महंगी मिल रही है। अरे कितने की है? अरे पूरे 2 लाख करोड़ की दे रहा है ये कार को। अरे ये तो बहुत ज्यादा महंगी है। बट वो बंदा बोल रहा है कि ये ना आराम से 10 लाख करोड़ में बिक जाएगी, इसका मतलब कि हमारा 5x प्रॉफिट होगा। अरे यार बहुत ज्यादा सही है, बट ये बंदा किस चीज की बोल रहा है इससे पूछो। भाई यार ये तो बोल रहा है कि इस कार को मॉडिफाइड कर दो। अरे तेरे को कौन सी मॉडिफिकेशन चाहिए भाई? अरे मेरे को चाहिए कैसी भी मॉडिफिकेशन, बट अच्छी सी बना दो इसे। ठीक है भाई बैन, यार लड़ मत इस बंदे से भाई, है तो हमारा कस्टमर ही। ठीक है भाई साहब, आपकी कार को मस्त बना दूंगा, आप थोड़ा सा वेट करो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बट तुम्हारा मैकेनिक है ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। भाई यार मैकेनिक बैन ही है, बट देखो कार वगैरह हमें ही मॉडिफाइड करनी पड़ती है, क्योंकि बैन ही ना ईजी काम नहीं करता, बैन ही करता हार्ड काम, जैसे कि इंजन वगैरह ख़राब हो जाता है। तो अभी ना इसकी टेस्ट ड्राइव करके आते हैं कैसी चल रही है, क्योंकि हमें ना मॉडिफिकेशन करने से पहले कार्स की टेस्ट ड्राइव लेनी पड़ती है। और वेट भाई ये क्या सीन है, स्पीड तो काफ़ी है बट इसकी ब्रेक काम नहीं करती। भाई ब्रेक वगैरह सही करनी पड़ेंगी मेरे को, रुक जाओ भाई। चलो अच्छा हुआ, इससे कम से कम पता तो चला कि इसकी कार में ब्रेक बहुत ज़्यादा कम है। अभी ना फटाफट से गैरेज में ले चलता हूँ और इसकी कार को ना फुल्ली मॉडिफाइड कर दूंगा, ये भी देख के बोलेगा कि क्या मॉडिफिकेशन की है, और अपने आस पड़ोस वाले से बोलेगा कि हमारे शोरूम में आके अपनी कार को मॉडिफाइड करवाएं। तो गाइस फाइनली मैंने इसकी कार को मॉडिफाइड कर दिया, और देखो भाई अभी ना चमक नहीं रही है, अभी मैं बाहर निकालूंगा तब देखना इस कार को क्या ही जलवा दिखाती है। भाई अभी निकालता हूँ। वेट, बस लो भाई ये है इसकी कार, और देखो पहचान में भी नहीं आ रही पहले क्या थी और अब क्या है। ले भाई तेरी कार मॉडिफाइड हो चुकी है। अरे ये किसकी कार है? भाई तेरी कार है। अरे ये बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही है, थैंक यू भाई, मैं ना अपने सारे दोस्तों से मॉडिफिकेशन के लिए भेजूंगा आपके शोरूम पे। ठीक है भाई भेज दियो, बट अभी ना हमें 1 लाख रुपीस तुरंत पेटीएम कर दे। अरे ठीक है कर रहा हूँ, कोई चिंता नहीं है, पैसे की कमी नहीं है मेरे पास। ठीक है भाई तो जल्दी कर देना, तेरी कार तो रेडी हो चुकी है। अरे करता हूँ, आप चिंता मत करो। ठीक है भाई कर दे और अपनी कार ले जा। तो गाइज यार ये बंदा भी जा चुका है, बैनी अब हम दोनों फ्री हो चुके हैं, अब मैं क्या करूँ? अरे अब तुम कार लेके आओ ना खरीद के। कौन सी कार भाई? अरे अभी तुम्हें फ़ोन तो आया था, भूल गए क्या? हाँ भाई सही बोल रहा है, अभी फ़ोन आया था यार, मैं भी कैसे बोल सकता हूँ, मेरे को ये दोनों क्रेट्स ले जानी पड़ेंगी, बट उनके लिए मेरे को चाहिए एक ट्रक जो कि होना चाहिए पूरा बंद, अगर बाहर से खुला हुआ तो मेरे पीछे दोबारा से फरारी गैंग पड़ सकती है। भाई मेरी ना लॉस एंजेलिस में सबसे ज़्यादा बड़ी दुश्मन हो चुकी है फरारी गैंग, जो कि सबसे रद्दी गैंग है, किसी को किसी से मतलब नहीं है उसमें। भाई उनके पास वेपन के नाम पर सिर्फ शॉटगन मिलती है और कुछ नहीं मिलता। भाई साहब ट्रक कहाँ से मिलेगा? रुको भाई सामने वाली पार्किंग में देख के आता हूँ, क्या पता सामने वाली पार्किंग में ट्रक खड़ा हो, क्योंकि मैंने ना अंदर जाते हुए देखा भाई एक ट्रक को, अगर यहाँ मिल गया तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो गाइस फाइनली यार ट्रक ना यहीं पर है, अब इस ट्रक को फटाफट से बाहर ले चलते हैं और इसके अंदर दोनों क्रेट्स को लोड करके ले चलते सीधे पोर्ट पर, क्योंकि भाई हमारी सारी कार्स पोर्ट पर ही आती हैं। और भाई फटाफट से अंदर घुसाते हैं, और वेट भाई अंदर ही नहीं घुस रहा ये तो, यार ये बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रक है और हमने इसमें सारे पैसे लोड कर लिए बाहर खड़ा करके। अभी इसको फटाफट से भगाते हैं और ले चलते सीधे पोर्ट, बट मेरे को आराम से ले जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी को शक हुआ ना इसके अंदर पैसे हैं तो कोई भी गैंग मेरे पीछे पड़ सकती है, फरारी गैंग नहीं सिर्फ और कोई भी गैंग पड़ सकती है। तो फटाफट से भगाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ना सब लोग जानते हैं कि ये बंदा कार्स का बिजनेस करता है और महंगी महंगी कार्स बेचता है, और क्या पता उन लोगों को शक हो गया ये बंदा शायद से कार परचेज करने जा रहा है, इसीलिए ट्रक लेके जा रहा है। तो भाई मैं ना बच के आ चुका हूँ पोर्ट पर, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरे को कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि भाई जो बंदा मेरे लिए कार्स लेके आता है ना वो अपने साथ में सिक्योरिटी भी लेके आता है, और भाई वो बंदा ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारे लिए इतनी महंगी महंगी कार्स सस्ते में जुगाड़ करवा देता है। जिस कार के लिए मैं आया हूँ ना यहाँ पे एस्टन मार्टिन की विजन कार, वो ना वैसे मार्केट में 5 लाख डॉलर की मिलती है, बट अब
हमें सिर्फ 2 लाख डॉलर में मिलने वाली है, तो भाई इससे अच्छा क्या ही होगा, 2 लाख डॉलर में ऐसे खरीदेंगे। और मैं ना इस मेज़ बैंक वाले को ही बुलाऊंगा और इसे ना 10 लाख में कार बेचूंगा भाई, इससे 5x प्रॉफिट करूंगा। फिर अपने शोरूम को ना पूरा भर लूंगा महंगी महंगी कारों से, जैसे कि बुगाटी बोलाइड, मर्सिडीज, लेम्बोर्गिनी, पोर्शे, एस्टन मार्टिन, बेंटले वगैरह बहुत सारी कार्स ले आऊंगा, क्योंकि 10 लाख डॉलर में ना पूरा शोरूम भर जाएगा। अभी ना मैं ट्रक लेके चलता हूँ और वो बंदा पता नहीं कहाँ पर है यार, मैं अंदर तक तो आ चुका हूँ। एक तो भाई वो बंदा ना सिंगल जगह पे आता ही नहीं है, हमेशा जगह चेंज करते रहता है। वैसे मैं भी क्या करूँ यार, जहाँ उसका शिप लग जाएगा वहीं पर तो वो उतारेगा। अभी ना सामने और चलता हूँ, क्या पता सामने किनारे पर ही खड़ा हो। और वैसे मेरे को ना कुछ बंदे तो दिख रहे हैं खड़े, वेट भाई मेरे को कार भी दिख चुकी है, यही कार है, इसी कार का मैंने फ़ोटो देखा था। मैंने बोला था ना गाइस, ये ना बंदा अपनी एक सिक्योरिटी लेके आता है, इसके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी है और वो खुद भी है। अभी ना फटाफट से इस ट्रक को लगाते हैं सामने की तरफ, ताकि कोई देख ना ले कि इसके अंदर पैसे हैं, और इस बंदे से बोल दे देंगे भाई तेरा कैश पेमेंट आ चुका है, तू हमें कार दे दे। और मैंने इसका ट्रक भी खोल दिया है, अभी इससे बात करता हूँ। और भाई कैसा है तू? अरे बढ़िया बढ़िया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या चीज़ लाया हूँ। हाँ भाई, चीज़ तो बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही है भाई, फ़ोटो से भी ज़्यादा तगड़ी लग रही है, बट मेरे को बहुत ज़्यादा हल्की लग रही है ये। अरे हल्की से मतलब नहीं, इसका इंजन बहुत ज़्यादा तगड़ा है। ठीक है भाई, मैं इसे चेक तो कर लूँ, ये वही कार है, इसका लोगो चेक करूँ पहले तो, इसका लोगो ओरिजिनल है या नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं, कर लो कर लो, अरे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, कैसे भी चेक कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल ओरिजिनल कार है। ठीक है भाई, ओरिजिनल कार है तो भाई साहब अच्छी तो लग रही है मेरे को। ठीक है भाई, तेरा पेमेंट सामने वाले ट्रक में रखा हुआ है पूरा 2 लाख डॉलर्स, तू गिन ले आराम से। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं गिनने नहीं वाला, मेरे को तुम पे भरोसा है, तुम कार ले जा सकते हो। ठीक है भाई, मैं कार ले जा रहा हूँ, और अगली बार से याद रखना कि 10 लाख डॉलर्स में इस कार को बेच के मैं तुम्हारे पास आऊँगा और अपने पूरे शोरूम के लिए कार खरीदूँगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर, आप आ जाना यार, हमारे पास बहुत सारी कार्स हैं, ऐसी सस्ते में मिल जाएंगी आपको। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ फिर, है ना? अरे ठीक है सर, ठीक है, मैं भी चलता हूँ अभी, मेरे को बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है भाई, तुम भी निकलो, मैं भी निकलता हूँ, अभी मैं गाड़ी को भगाने वाला हूँ। वैसे यार स्पीड मैं देखता हूँ भाई कितनी है, देखो भाई टायर ना बहुत ज़्यादा ही घूम रहा है, मेरे को यहाँ से आराम से निकालनी पड़ेगी, अगर कहीं भी टकरा गई ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वैसे बहुत ज़्यादा महंगी कार है, वेट भाई मतलब एक्सीलेटर पे पैर रखते ही भाग रही है भाई, भाग, बिल्कुल भी टाइम नहीं ले रही है स्पीड पकड़ने में। अभी मैं इसकी टॉप स्पीड चेक करूंगा, वैसे मेरे को लगता है कि हाईवे पर तो टॉप स्पीड चेक नहीं हो पाएगी, किसी दिन रनवे पर जाकर ही टॉप स्पीड चेक करेंगे। और मैंने इसे बस टर्न कराया था और ये पूरी घूम चुकी है भाई, मेरे को ना रिस्क नहीं लेना चाहिए। खुल जा टकराइयो मत यार, टूट, वेट भाई खुल गया, अभी मैं ट्रक ले गया था तब तो नहीं खुला था। और भाई सब लोग 150, 140 मतलब क्या ही स्पीड में भाग रही है। मैं इस कार को शोरूम तक तो लेके आ चुका हूँ, अब फटाफट से यार बैनी को और दिखाता हूँ भाई, बैनी भी खुश हो जाएगा इस कार को देख के, क्योंकि बैनी बोल रहा था एस्टन मार्टिन की मैंने विजन कार आज तक नहीं देखी है, तो भाई आज हमने पहली बार शोरूम में विजन कार मंगाई है अपनी एस्टन मार्टिन की। ले भाई बैनी, ये है वो कार जो कि हमें मिली है पूरे 2 लाख डॉलर में। और वाह यार, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है, बट इसकी टॉप स्पीड क्या है? वैसे यार वो बंदा तो टॉप स्पीड बोला था 350 किलोमीटर पर आवर, बट अभी मैंने चेक नहीं किया, मैं चेक कर लूँगा तो चिंता मत कर। अरे यार चेक कर लेना, ये बहुत ज़्यादा महंगी बिकेगी मुझे पक्का पता है। हाँ भाई, मैं सोच रहा हूँ बैंक मैनेजर के बेटे को बेच देता हूँ। अरे हाँ सही बोल रहे हो यार, वो तो आराम से खरीद लेगा इसे, वैसे ही बहुत ज़्यादा अय्याशी करता है वो। ठीक है भाई, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारा शोरूम मस्त चलेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कार्स मंगाने वाला हूँ। तो गाइस यार, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।